संविधान बन गया। समय लग गया 2 साल 11 महीने 18 दिन। इस राष्ट्र को चलाने के लिए संविधान बनाया गया और 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गया इसके संविधान को निर्माण करने में। और वो भी इस संविधान को बनाने के लिए आपने देखा होगा बहुत सारे देशों से छोटे छोटे पार्ट्स लिए गए और उसके बाद अपना संविधान तैयार। इस देश को चलाने के लिए इतना समय लगा, लेकिन क्या आपने किसी दिन अपने फ्यूचर के, अपने करियर के बारे में बैठ करके आपने सोचा? उसके लिए भी तो संविधान बनाना चाहिए। देश अच्छा चल रहा है, लेकिन ये हमारा भी तो लाइफ, आपका भी तो लाइफ अच्छा चलना चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? संविधान बनाना चाहिए। डिसाइड करें आपको क्या करना है, आगे क्या सोचा है आपने, क्या करने के बारे में सोचा है। इन सारी चीजों पर, विशेष करके अपने करियर पर विशेष ध्यान दें और एक बार सोचें आप कि क्या करियर जो मतलब आपके पेरेंट्स भी सोच रहे हैं, क्या वो ठीक है कुछ हद तक या नहीं। देखिए पेरेंट तो वैसे भी अच्छा ही सोचते हैं, हम भी अच्छा ही सोचेंगे, लेकिन पेरेंट बनने के बाद ऐसा तो नहीं ख्याल है। अगर ऐसा है तो इसको दिमाग से उतारें और अपने करियर को बिल्ड करने के लिए, एक अच्छी पोजीशन को लेने के लिए, एक अच्छा सोसाइटी पाने के लिए आपको हार्डवर्क करना चाहिए। और खास करके मैं कहूंगा कि एजुकेशन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें लगाई गई पूंजी, एजुकेशन में इन्वेस्ट किया गया पूंजी कभी लॉस में नहीं जाता, वो आपको कुछ ना कुछ दे करके जाता है। और इतना भी पूंजी नहीं लगता, क्योंकि हम जो नॉर्मल जो मैच्योर होने तक के लिए जो हम पढ़ाई करते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा पूंजी नहीं लगती। तो मुझे लगता है इस पर आप लोगों को केयर करना चाहिए। और इसी के साथ आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बीत गया, 24 घंटे हो गए, धमाल मचा हुआ था गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के, तो हमने सोचा थोड़ा सा लेट चलते हैं, देखते हैं कैसा लगता है आपको, ठीक है ना। संविधान बनाइए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, संविधान बनाइए, कुछ ना कुछ जरूर बनाइए अपने करियर के लिए। राष्ट्र के लिए तो संविधान बना हुआ है, राष्ट्र चल रहा है, मस्त चल रहा है, इसलिए हमको अपने करियर पर भी कुछ संविधान बनाने की आवश्यकता है। इसको बनाइए।